हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें एसटीवी हरियाणा न्यूज। नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं गौरव कुमार पांडे। दुनिया भर में कोरोना किस तरह से लोगों की जान का दुश्मन बना है वह हम और आप जानते हैं, और आपको पता है कि किस तरह से लगातार दुनिया भर में आंकड़े बढ़ रहे हैं। मौत का आंकड़ा बढ़ रहा है, संक्रमित लोगों का आंकड़ा बढ़ रहा है, और इन सब के बीच धीरे धीरे रेंगता हुआ हिंदुस्तान भी अब दुनिया भर में तीसरे नंबर पर पहुंच गया है। सबसे ज्यादा परेशानी अमेरिका में और उसके बाद ब्राजील में, 1 लाख लोग की मौत हो चुकी है। हिंदुस्तान में भी आंकड़ा 46,000 के पार पहुंच चुका है। अब ऐसे में लगातार ये जब आंकड़ा तेजी से बढ़ रहा है तो आपको हमको रहना है सतर्क पहले से भी ज्यादा, क्योंकि पहले ये मामले जिस रफ्तार से बढ़ रहे थे हिंदुस्तान में और आज जिस रफ्तार से बढ़ रहे हैं मामले, इसमें आसमान जमीन का फर्क है। ऐसे में अब आपको और हमको और ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत है। और हरियाणा न्यूज लगातार आपको यह बताता रहा है कि किस तरह से आपको खुद को बचाना है। काढ़े का इस्तेमाल करने से लेकर मास्क पहनने के तरीके तक पहले दिन से ही हरियाणा न्यूज लगातार आपको हर चीज बताता रहा है, एक्सपर्ट्स के जरिए, डॉक्टर्स के जरिए। आज भी हम आपको इस कार्यक्रम में डॉक्टर्स क्या कह रहे हैं अब जब ये मामले इतनी तेजी से बढ़ रहे हैं, आपको क्या करना चाहिए वो बताएंगे। उससे पहले हम आपको बताएंगे कि पूरे सूबे भर में हाल क्या है कोरोना का। तो हर रोज मरीजों की तादाद बहुत तेजी से बढ़ रही है। अगर सूबे भर की बात करें तो यहां भी मामला बहुत तेजी से बढ़ रहा है, लेकिन हरियाणा में अच्छी बात यह है कि रिकवरी रेट हरियाणा का अच्छा है। अभी गुरुग्राम की अगर आप बात कर लीजिए कि गुरुग्राम में किस तरह से कंट्रोल किया गया है, हालांकि ऐसा नहीं है कि कोरोना मुक्त हो गया है, लेकिन कंट्रोल किया गया है। इसी तरह से पूरे सूबे भर में स्थिति पहले से नंबर्स जरूर ज्यादा बढ़ गए हैं, लेकिन रिकवरी रेट भी बेहतर है। हालांकि फरीदाबाद का हाल उतना अच्छा नहीं है। राजा पटेल हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजा, फरीदाबाद में कोरोना की क्या स्थिति है, किस गति से कोरोना बढ़ रहा है, क्या आंकड़े और क्या ये डराने वाले हैं? चलिए, लगता है राजा तक आवाज नहीं पहुंच रही है। हम दोबारा उनसे संपर्क करने की कोशिश करेंगे, लेकिन इलाज के बाद 35,492 मरीज अब तक हरियाणा में ठीक भी हो चुके हैं। ऐसे में आपको क्या करना है, आपको बिना काम के घर से बाहर नहीं निकलना है। जब तक बहुत ज्यादा जरूरी काम ना हो तब तक घर से बाहर बिल्कुल ना निकलें, और अगर आप निकल रहे हैं तो सारे एहतियात आपको रखने हैं। आपको बताना पड़ेगा खुद को कि आप सुरक्षित हैं। आप मास्क लगाकर निकलें, हैंड सैनिटाइजेशन का ध्यान रखें, घर से बाहर निकलें तो वापस लौटते ही सारे कपड़े उतारकर धोने के लिए डाल दें, और बिना खुद को सैनिटाइज किए अपने घर में घूमे नहीं, लोगों से मिले नहीं, इन चीजों का ख्याल रखें। तो एहतियात रखना है। इसके साथ खाने पीने में भी लगातार हम आपको हरियाणा न्यूज के जरिए बताते रहे हैं एक्सपर्ट्स के साथ मिलकर कि आपको क्या खाना है, किन चीजों से परहेज करना है। ऐसी कोई भी चीज जिससे आपको सर्दी जुकाम हो सकता है, तबीयत खराब हो सकती है, इन चीजों से आपको दूर रहना है। आपको गुनगुना पानी अगर पियेंगे तो ज्यादा बेहतर है। इसके साथ साथ काढ़े का सेवन आपको इम्यूनिटी भी देता है, इम्यून सिस्टम भी आपका बेहतर करता है, और साथ ही साथ
कोरोना के खिलाफ लड़ाई लड़ने में आपको और शक्तिशाली बनाता है और ताकतवर बनाता है। ऐसे में हर रोज बढ़ रहे मरीजों के इस तादाद से आपको और हमको सतर्क होना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर हम लापरवाही करेंगे तो जिस तेजी से ये आंकड़े बढ़ रहे हैं, हिंदुस्तान अभी तीसरे नंबर पे पहुंच गया है और ये खतरा लगातार बढ़ता जा रहा है। और आज की तारीख में क्योंकि लॉकडाउन खत्म हुए बहुत टाइम हो गया, अब सबको अपने रोजगार की जरूरत है, सबको काम पर लौटने की जरूरत है, पैसे की जरूरत है, अर्थव्यवस्था को गति देने की जरूरत है, इसलिए आपको सतर्कता के साथ घर से बाहर निकलना होगा। राजा पटेल हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजा, फरीदाबाद का हाल बताइए, क्या स्थिति है फरीदाबाद में? राजा, आवाज मिल रही है आपको? हेलो जी, बताएं फरीदाबाद में कोरोना को लेकर क्या स्थिति है? देखिए गौरव, फरीदाबाद की बात करें तो स्वास्थ्य विभाग काफी अलर्ट पर है और काफी अच्छा स्वास्थ्य विभाग काम कर रहा है। रिकवरी रेट की बात करें तो फरीदाबाद में 90% से ऊपर का रिकवरी रेट जा रहा है। हालांकि मामले कहीं ना कहीं बढ़ रहे हैं क्योंकि टेस्टिंग ज्यादा होती है फरीदाबाद में, पर बात करें कोरोना मरीजों की संख्या में तो काफी पिछले 3 दिनों से काफी हद तक जो कोरोना उनमें कहीं ना कहीं इजाफा हुआ है, काफी ज्यादा कम हुआ है। हालांकि जो तमाम स्टाफ है, आज जिस तरीके से खबरें आएंगी तुरंत चाहिए कि जो तमाम स्टाफ है और सभी कर्मचारियों को कोरोना पॉजिटिव हुआ है, तुरंत और सभी का उपचार चल रहा है, पर रिकवरी रेट बहुत अच्छा फरदास नजर आ रहा है। जी गौरव, ठीक है। जो लोग संक्रमित हो रहे हैं उनको क्या इलाज बेहतर तरीके से मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, वहाँ सुविधाएं किस तरह की मिल रही हैं, वो भी बता दीजिए। जी बिल्कुल, देखिए गौरव, मैं आपको बता दूं कि अपने 2 दिन पहले जिस तरह के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर यहाँ पर पहुंचे और प्लाज्मा सेंटर का, हरियाणा का पहला प्लाज्मा सेंटर फरीदाबाद में बनाया गया है, ये एक अच्छी अच्छी खबर थी, क्योंकि जिस तरीके से लोगों को लगातार मुख्यमंत्री की बात करें, तमाम अधिकारियों की बात करें और जो लोग कोरोना से ठीक होकर घर जा चुके हैं वो लोग भी अपील कर रहे हैं कि प्लाज्मा डोनेट करें, क्योंकि जिस तरीके से फरीदाबाद में लगातार मामले बढ़ते हुए नजर आ रहे जिस तरीके से, तो कहीं ना कहीं सरकार भी कहीं ना कहीं सराहने अच्छा काम कर रहे हैं। प्रशासनिक अधिकारियों की बात करें जैसे कि हॉस्पिटल ईएसआई की बात करें तो तमाम सुविधाएं गौरव वहां पर मिलती हुई नजर आ रही है। जी चलिए, बहुत शुक्रिया राजा आपका। तो अब फरीदाबाद के बाद हम बाकी जगहों का हाल आपको बताएंगे, लेकिन आपको ये भी बता दें कि फर्स्ट हाफ के बाद सेकेंड हाफ में हम आपको एक्सपर्ट्स यानी कि डॉक्टर की राय बताएंगे कि अब जब ये आंकड़े इस तेजी से बढ़ रहे हैं तो ऐसे में अब क्या एक्स्ट्रा प्रिकॉशंस लेने की जरूरत है, आपको ज्यादा एहतियात बरतने की जरूरत है, आपको ज्यादा सावधान रहने की जरूरत है, आपको क्या खाएं क्या ना खाएं, किन चीजों से बचे, ये सब आपको बताएंगे सेकेंड हाफ में। लेकिन अभी आपको बता रहे हैं कि सूबे भर में हालांकि रिकवरी रेट, अभी आपने सुना फरीदाबाद में कि किस तरह से मामले जरूर बढ़ रहे हैं लेकिन रिकवरी रेट बहुत शानदार है फरीदाबाद का, राजा पटेल बता रहे थे, उसी तरह से सूबे भर में रिकवरी रेट बहुत अच्छी है, रिकवरी रेट बहुत अच्छा है पूरे हरियाणा में, लेकिन तादाद बढ़ रही है, मामले हर रोज बढ़ रहे हैं, 700 से ज्यादा मामले एक दिन में आना अपने आप में जरूर ये चिंता बढ़ाने वाला विषय है, लेकिन आपकी और हमारी जिम्मेदारी सरकार के साथ साथ, क्योंकि अब हम घर से बाहर निकल रहे हैं, घर से बाहर निकलने की छूट है, अगर आप काम कर रहे हैं या आप बिजनेस कर रहे हैं, नौकरी पर जा रहे हैं तो आपको छूट जरूर है, लेकिन उस छूट में आपको अपना और अपने परिवार का ख्याल रखना बहुत जरूरी है, आपको ये समझना जरूरी है कि आपकी लापरवाही से आपका परिवार बीमार हो सकता है। संजय राठौर हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं, गुरुग्राम से न्यूज रूम से हमारे साथ जुड़ गए हैं। संजय, ये बताइए कि गुरुग्राम का हाल क्या है कोरोना को लेकर? जी बिल्कुल गौरव, मैं आपको बताना चाहूंगा, जैसे कि पूरे हरियाणा में गुड़गांव अव्वल नंबर पे रहा है कोरोना के मामले में, लेकिन बीते कुछ दिनों की मैं बात करूं, गुरुग्राम में जो रिकवरी रेट है वो काफी बढ़ रहा है, लेकिन जो पॉजिटिव मामले हैं वो कम होते जा रहे हैं। मैं कल की बात कर लेता हूं, कल जो पॉजिटिव मामले की बात करूं, 57 नए मामले गुरुग्राम में आए और 63 जो लोग हैं ठीक होकर अपने घर वापसी उन्होंने की है,
और अभी तक की हम जो टेस्ट सैंपलिंग की बात करें, करीबन 1,49,019 सैंपल स्वास्थ्य विभाग ने गुरुग्राम में लिए हैं और उसमें से 1,12,730 है जो नेगेटिव है। और अभी हाल ही की मैं बात करूं, करीबन 9,971 मामले हैं जो पॉजिटिव आए और उसमें से 8,989 मामले हैं जो ठीक होके अपने घर चले गए हैं। तो कहीं ना कहीं स्वास्थ्य विभाग की जो एक कड़े प्रयास है उसके चलते जो गुरुग्राम है कोरोना से कहर जो कहर था उससे बाहर निकलता नजर आ रहा है और गुरुग्राम वासियों के लिए ये राहत भरी खबर भी है। जी ठीक है, सुविधाएं किस तरह की मिल रही हैं गुरुग्राम में? अगर कोरोना संक्रमित हो रहे हैं लोग तो उनको सुविधाएं किस तरह की मिल रही हैं? जी बिल्कुल गौरव, स्वास्थ्य विभाग की तरफ से पहले ही प्राइवेट हॉस्पिटल को पैनल पे ले लिया गया है, तो साथ ही साथ जो गेस्ट हाउस है या पीजी है उनको भी स्वास्थ्य विभाग की तरफ से हायर कर लिया गया था। और सबसे बड़ा जो होम आइसोलेशन स्वास्थ्य विभाग की तरफ से बनाया गया है कि लोगों को एक एक पहल की गई है कि आप अपने घर में रह के ठीक हो सकते हैं, डरने की आपको जरूरत नहीं है। जो होम आइसोलेशन है उससे लोगों को काफी राहत मिल रही है। हालांकि हॉस्पिटल में भी लोग हैं लेकिन जिस तरीके से इन्फेक्शन बढ़ा था गुड़गांव में, तो लोगों ने जो स्वास्थ्य विभाग की अपील थी कि आप अपने घर में आइसोलेशन वार्ड बनाए कि उससे कि आप स्वस्थ भी हो रहे हैं लेकिन आपको दूसरे जो व्यक्ति है उनके संपर्क में आने से जो आपका कोरोना का जो वो है क्या बढ़ सकता है, तो इसीलिए होम आइसोलेशन। चलिए संजय, बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। तो सूबे भर में रिकवरी रेट बहुत अच्छा है लेकिन मामले भी लगातार। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। कोरोना लगातार पैर पसार रहा है, डरा रहा है, खौफजदा कर रहा है और मौत का कारण भी बन रहा है, लेकिन इन सब के बीच हिंदुस्तान की जंग भी जारी है। हिंदुस्तान पूरी मुस्तैदी के साथ लड़ाई लड़ रहा है। हालांकि आंकड़े जरूर लगातार डरावने होते जा रहे हैं, भयावह होते जा रहे हैं। दुनिया भर में अब हम तीसरे नंबर पर हैं, अमेरिका और ब्राजील के बाद हिंदुस्तान तीसरे नंबर पर पहुंच गया है। हिंदुस्तान में भी मौत का आंकड़ा तेजी से बढ़ा है। हालांकि हरियाणा की अगर बात करें तो बढ़ते आंकड़ों के बीच रिकवरी रेट का बेहतर होना राहत की बात नजर आती है, लेकिन इन सब के बीच आपको और हमको सतर्क रहने की जरूरत है। सिर्फ सरकारी उपाय से या सरकार के कोशिश करने से आप कोरोना से बच जाएंगे यह जरूरी नहीं है, क्योंकि जब आप घर से बाहर निकलते हैं तो एहतियात आपको ही बरतनी पड़ेगी। जब आप घर से बाहर निकलते हैं तो अपनी सुरक्षा का ख्याल आपको ही रखना होगा। भारत साबरी हमारे साथ जुड़ गए हैं, हमारे संवाददाता धर्मनगरी कुरुक्षेत्र से। भारत कुरुक्षेत्र का हाल बताइए। देखिए गौरव, अगर कुरुक्षेत्र की बात करें तो फिलहाल जहां हालात सामान्य के लगभग नजदीक पहुंच चुके हैं, और अगर बात करें कोरोना के पेशेंट्स की तो कोरोना के पेशेंट जो है वो लगातार मिल रहे हैं, पर जिस तरह से प्रशासन अब काम कर रहा है उस तरह से जो है अब प्रशासन की तरफ राहत भरी नजर से लोग जो है वो देख रहे हैं। हालांकि कल भी 43 लोग जो है वो पॉजिटिव पाए गए हैं पूरे जिले में, ठीक है जी। और उनके बाद उसमें 304 जो है टोटल मामले हैं जो एक्टिव माने जा रहे हैं। पर फिलहाल अगर बात करें दूसरी व्यवस्थाओं की तो कुल मिलाकर आप ये मान सकते हैं कि कोरोना को लेकर प्रशासनिक तैयारियों के चलते बाजार या दूसरी जो चीजें हैं वो अब लोगों को धीरे धीरे मुहैया होनी शुरू हो गई हैं। ठीक है, सुविधाओं की बात करें, जो लोग संक्रमित हो रहे हैं अस्पतालों में जिनका इलाज चल रहा है, अस्पतालों में इलाज बेहतर मिल रहा है, सुविधाएं हैं, दवाइयां मिल रही हैं, खाना मिल रहा है? देखिए बिल्कुल, ये वहां से जो मरीज निकलकर बाहर आ रहे हैं जो कोरोना संक्रमित लोग थे उन्होंने बताया है कि अगर उन सुविधाओं को माना जाए तो ठीक ठाक सुविधाएं जो है उन्हें यहाँ मिल रही हैं। बहरहाल जिस तरह की तस्वीरें और जगह से आ रही हैं, कहीं पानी का इंतजाम नहीं है, कहीं खाने का इंतजाम। चलिए बहुत शुक्रिया भारत आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। तो सूबे भर में जहां जहां से हम अपने संवाददाताओं को अब तक जोड़ पाए हैं वो यही बता रहे हैं कि जो लोग रिकवर करके अस्पताल से बाहर आ रहे हैं वो बता रहे हैं कि सुविधाएं ठीक है और इलाज मिल रहा है। रिकवरी रेट शायद यही एक कारण है कि होम आइसोलेशन प्रोग्राम्स और अस्पतालों में ठीक इंतजाम, इसकी वजह से रिकवरी रेट
बेहतर हो रहा है और लगातार हर रोज रिकवरी रेट के बेहतर होने के साथ ही यह आंकड़े राहत देने वाले हैं। डॉक्टर पंकज वत्स, पूर्व निदेशक स्वास्थ्य सेवाएं हरियाणा, हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं। डॉक्टर साहब, जिस तेजी से पूरे देश भर में अब आंकड़े हर रोज आ रहे हैं, क्या कुछ एक्स्ट्रा प्रिकॉशंस लेने की जरूरत है आम आदमी को? देखिए गौरव जी, एक्स्ट्रा प्रिकॉशन इसलिए आवश्यक है कि प्रिकॉशन लेते लेते हम जो है 20 लाख के आंकड़े को पार कर चुके हैं। इसलिए जो एक्स्ट्रा प्रिकॉशन लेंगे तभी हम इसके ग्राफ को नीचे की तरफ ला पाएंगे। ठीक है, क्या करें जब घर से बाहर निकले, काम पर जाएं, क्या क्या करने की आवश्यकता है आम आदमी को? देखिए गुड़गांव के लोगों में जागरूकता थी तो काफी हद तक इसको कंट्रोल करने की स्थिति में गुड़गांव या एनसीआर का एरिया सफल हुआ है। उसका मुख्य कारण सरकार द्वारा लिए गए फैसलों का जन समर्थन, जनता ने भरपूर तरीके से उसका पालन करना उचित समझा और उचित पालन करते करते उस सब को लेके गए। इससे ये प्रूफ हो गया है कि अगर आप 2 गज की दूरी रखेंगे, मास्क लगाकर चलेंगे, जो साधारण साधारण आपको प्रिकॉशंस बताई गई हैं, अगर उसका जिम्मेदारी से आप पालन करेंगे तो आप कोरोना से बच सकते हैं। अन्यथा कोरोना नहीं पहचानता किसी को, वो ना पूर्व राष्ट्रपति को पहचानता, ना स्वास्थ्य मंत्री को पहचानता, ना ही किसी देश के प्रधानमंत्री को पहचानता। वो कहीं पर भी अपनी पैंट बिठा सकता है, इसलिए उससे दूरी बनाए रखना है तो आपको आपसी शारीरिक 2 गज की दूरी बना लो अपनी मजबूरी। यही गुरु मंत्र बार बार आप अपने मन में स्मरण करें और जब भी मौका लगे आप ये अपने आप को इवैल्यूएट करें कि क्या आप इन प्रिकॉशंस का या जो हिदायतें दी गई हैं। चलिए, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारियां साझा करने के लिए। तो आपको भी रहना है सतर्क, रखना है अपना बहुत ज्यादा ख्याल, क्योंकि अगर आपने लापरवाही की तो बहुत मुमकिन है कि कोरोना को लेकर आप अपने घर में जाएंगे, खुद भी संक्रमित होंगे, अपने परिवार वालों को भी परेशानी में डालेंगे। इससे बेहतर है कि आप सावधानी बरतें, कोरोना से बचें। फिलहाल इतना ही, इजाजत दीजिए, नमस्कार।